आज की साहित्य चर्चा में जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, उनके व्यक्तित्व में बहुत ही अच्छी रचनाओं का वास है, और उनका व्यक्तित्व ही नहीं, उनका कृतित्व भी छिपा है। तो आप हमारे स्टूडियो में आज हाजिर हैं, जसप्रीत कौर फल्क। तो जसप्रीत जी, सबसे पहले हम आपके तखल्लुस के बारे में ही पूछना चाहेंगे कि आपने अपना तखल्लुस फलक ही क्यों रखा, फलक के क्या मायने लेती हैं आप? एक नज़म है जिसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपने नाम के आगे तखल्लुस फलक क्यों रखा। जी, हम सुनना हाँ चाहेंगे जी। वो आपकी जो रचना है, जो आपकी वो गजल, बाकी अभी है बनना मेरी हसरतों का घर, बाकी अभी है बनना मेरी हसरतों का घर, करना है तय अभी तो मुझे दूर का सफ़र, करना है तय अभी तो मुझे दूर का सफ़र, जी चलती रहूंगी जाए जहां तक मेरी नज़र, चलती रहूंगी जाए जहां तक मेरी नज़र। हाँ जी, तो इसीलिए आपने इसी शेर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जी, जी। कि मैंने अपना तखल्लुस क्यों फलक रखा। तो आपने कब से लिखना शुरू किया था, और कब आपने अपनी जो रचनाएं हैं, आपकी आपकी जो कविताएं हैं, नज़में हैं, जो वो आपने किसी कॉलेज मैगज़ीन से या कहीं आपका जो जो भी आपका फील्ड रहा उसमें आपने कब से ये लिखना शुरू किया था कि आपकी रचनाओं में इतना इतनी ताकत है? आपने महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी लिखा, भ्रष्टाचार के ऊपर भी लिखा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों पे भी लिखा, तो आपने ये शुरुआत कब से की? मेरा एक्चुअली रुझान तो मेरा बचपन से ही था कविताएं लिखने का। जी। मैं अपने स्कूल की लाइब्रेरी में लिटरेरी बुक्स लेकर उसको पढ़ती होती थी, और बहुत ही अच्छे अच्छे साहित्यकारों को पढ़ना मेरा बहुत रुचि थी उसमें। मैंने महादेवी वर्मा जी को पढ़ा, उनसे मैं बहुत प्रेरित हुई, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ा जी, सुमित्रा नंदन पंत जी को पढ़ा। तो और जब मैं पढ़ती होती थी तो मैं सोचती थी मैं क्यों नहीं इनके जैसे लिख सकती जी, तो अच्छा एकदम मेरी अपने आप ही कलम मेरी चल पड़ती थी, विचार आते थे दिमाग में और मैं लिखना शुरू हो जाती थी। तो जैसा कि कवियों के हिस्से में आता है शुरुआत में मोहब्बत पर लिखना, मुझे लगता है आपने भी मोहब्बत के ऊपर एक बहुत अच्छी सी कविता लिखी हुई थी, हम आपसे वो सुनना भी चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि लिखने के लिए और प्रेरणा स्रोत आपके कौन रहे? किताबें मेरा प्रेरणा स्रोत रही, किताबें ही। हाँ जी, मैं आपने जैसे उनको पढ़ा, पढ़ते को पढ़ते अपना आप गुरु मानती हूँ जी। हाँ जी, लिखने का शौक आपका? हाँ जी, मैंने अपने घर में भी एक छोटा सा पुस्तकालय बनाया हुआ है जी, जिसमें मेरे जो चुनिंदा साहित्यकारों की किताबें मौजूद होती हैं वहाँ पे। अच्छा, और मैंने किताबों पे ही एक अपनी नज़म लिखी थी, आप सुनाना चाहेंगी हमें? हाँ जी बिल्कुल। आप अपनी ये जो आपकी पुस्तक है, आपने सबसे हाँ पहले से आपकी ये चुप का गीत हाँ जी। जो है हम इसमें से ही आपकी एक नज़म सुनना चाहेंगे। एक तो मैं आपको अपनी किताबों की नज़म सुनाऊंगी कि जो मैंने लिखी है जी। पहले जैसे मैंने बात की आपसे कि किताबें मेरी प्रेरणा का स्रोत रही हैं जी। किताबें मेरे लिए एक जीवन शक्ति हैं, सौंदर्य बोध हैं, अमृत सरोवर की तरह हैं, जिससे ज्ञान की चूली लेकर होकर मैं तरोताज़ा जी चल पड़ती हूँ जीवन की कठिन राहों पर। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, शुक्रिया जी। और हम आपकी महिला सशक्तिकरण पे भी कविता सुनना चाहेंगे, हम आपकी प्यार मोहब्बत पे भी कविता सुनना चाहेंगे। हाँ, क्योंकि मैंने जो नज़र मारी है आपकी कविताओं में, एक उड़ती सी नज़र मारी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपने ऐसे ऐसे शब्दों का, चुनिंदा शब्दों का चयन किया है जो अच्छे कवियों के हिस्से आता है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपनी कोई हमें अपनी सबसे पसंदीदा रचना आप हमें सुनाएंगी तो। हाँ जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर मैंने अपनी कविताओं में दूसरी भाषाओं का, कहीं पे मैंने पंजाबी का प्रयोग किया है, कहीं पे उर्दू के लफ्ज़ों का प्रयोग किया है, तो ये मैंने अपनी कविताओं की, इसमें कविताओं की अमीरी होती है जी, कि हम अपनी भाषा को अमीर करना चाहते हैं, हम अपनी कविता को अमीर जी, करना चाहते हैं, इसलिए मैंने और भी भाषाओं का प्रयोग किया है।
और मैं युवा पीढ़ी के लिए जो कि फ्रस्ट्रेट हो जाती है कहीं पे नौकरी ना मिले, यहाँ पे कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं जी, जी. बहुत से लोग, तो उनके लिए मैंने एक कविता लिखी है जो मेरी किताब में मौजूद है, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी. इरशाद, हम सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आजकल नौजवान पीढ़ी को जगाना और समझाना बहुत ज़रूरी है. इरशाद. चलो क्यों हो पड़े निढाल से तुम, चलो क्यों हो पड़े निढाल से तुम, संभालो किर रहे हैं डाल से कुसुम. चलो क्यों हो पड़े निढाल से तुम, संभालो किर रहे हैं डाल से कुसुम. उदास वादी से कहीं तो धुआं उठे, उदास वादी से कहीं तो धुआं उठे, हक की खातिर कोई तो जुबां उठे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया जी. खामोश दीवारों में कुछ तो हलचल हो जी, खामोश दीवारों में कुछ तो हलचल हो, चांद सितारों में कुछ तो हलचल हो, खामोश दीवारों में कुछ तो हलचल हो, चांद सितारों में कुछ तो हलचल हो, नन्ना सा हो सोच का आशियां तो बने, नन्ना सा हो सोच का आशियां तो बने, छोटा ही सही एक कारवां तो बने, कारवां तो बने. बहुत बढ़िया. सूखी टहनी जर्द कोई पत्ता ना रहे, सूखी टहनी जर्द कोई पत्ता ना रहे, किसी घर में शख्स कोई भूखा ना रहे, भूखा ना रहे. बहुत अच्छे. जख्मी चेहरों की मरहम के लिए जी, जख्मी चेहरों की मरहम के लिए, रुकती सांसों की सरगम के लिए. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत ही. आओ मिलकर कुछ नया करें, आओ मिलकर, आओ मिलकर कुछ नया करें, नया करें, पीले वृक्षों को फिर से हरा करें, फिर से हरा करें. बहुत बढ़िया. चलो क्यों हो पड़े निढाल से तुम, संभालो किर रहे हैं डाल से कुसुम, संभालो किर रहे हैं डाल से कुसुम. बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोई हुई आपकी ये कविता हमने सुनी. मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है कि आप जैसा कि जसप्रीत हैं, जसप्रीत कौर फल्क हैं, पंजाबियत के साए में रहते हुए आपने हिंदी भाषा में कविता लिखना ही चुना, जबकि आप पंजाबी में भी लिख सकती थी. अभी अभी जैसा कि हमने ये देखा कि आपकी भाषा में जो शब्दों का चुनाव है वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बढ़िया है. और ऐसे शब्द कैसे आपके जहन में आते हैं कि आप अपनी कविता को इतने अच्छे अंदाज में कह पाती हैं? एक्चुअली मेरी पैदाइश और मेरी परवरिश उत्तर प्रदेश की रही है, तो वहीं पे ही मेरा सब मेरे जो पढ़ाई का माध्यम था वो भी हिंदी था. हाँ जी, तो शुरू से ही जब मेरे स्कूल में जब कोई 15 अगस्त होता है या 26 जनवरी, तो मेरी अध्यापिका जब वंदे मातरम सुनाती होती थी, तो मेरे अंदर तक, रूह तक, मेरे रगों में चला जाता था जी. तो उससे मैं बहुत प्रेरित होती थी, तो उसी को वो वैसा भाव था कि हाँ भी शब्द अपने आप ही निकल आते थे कि कोई किसी को प्रेरित करने के लिए कोई कविता लिखनी है, या कुछ समाज सुधार के लिए, या नारी सशक्तिकरण के लिए. मेरी एक कविता है नारी सशक्तिकरण, जो कि नारी के पूरे हूबहू रूप को बताती है, तो वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी. हम जरूर सुनना चाहेंगे. नारी सशक्तिकरण पे तो हम आपसे ज़रूर ही सुनना चाहेंगे, क्योंकि नारी जब कवित्री हो जाती है तो मेरे ख्याल से उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है. हाँ जी, हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे. मेरी एक कविता है अणु. मैं कोई रेत पर उकरी हुई आकृति नहीं जी, मैं कोई रेत पर उकरी हुई आकृति नहीं, जो कुछ क्षण में ही बिखर जाऊं, जो कुछ क्षण में ही बिखर जाऊं. मैं कोई हवा में बनी रंगों की एक तस्वीर नहीं जी, मैं कोई हवा में बनी रंगों की एक तस्वीर नहीं, जो बदलते मौसम के साथ हवा हो जाऊं. बहुत बढ़िया. हाँ जी, शुक्रिया जी. और ना ही मैं बारिश की पहली बूंद हूँ, और ना ही मैं बारिश की पहली बूंद हूँ, जिसे पी जाए समय की तपिश. बहुत अच्छा.
मैं तो वो अणु हूँ जो टूटेगा तो असंख्य हो जाएगा, मैं तो वो एक लहर हूँ जब मिटेगी समंदर बन जाएगी, मैं तो वो एक लहर हूँ जब मिटेगी समंदर बन जाएगी। बहुत बड़ी बात कही। तो ये है एक औरत का रूप। बहुत बहुत बढ़िया, आपने औरत के भावों को, औरत के ख्यालों को आपने बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। हम आज भी देखते हैं कि हमारे समाज में, चाहे जितने भी हमारे आधुनिक युग में जितनी भी समाज ने तरक्की कर ली है, पर हम औरत का वही हम देखते हैं एक दर्जा वही है जो हम सदियों से देखते चले आ रहे हैं। तो हमारे आज भी हमारे समाज में जब बड़े बुजुर्ग अपनी बेटियों को आशीर्वाद देते हैं तो नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ जी, काफ़ी जगह है तो ऐसा मैंने है। हाँ जी, लेकिन बहुत कुछ बदल भी गया है, बहुत कुछ नारी ने हाँ भी बदला है। जब हाँ जब नारी को आगे आने का मौका हाँ मिला है हाँ तो उसने वो जो पुराना नारी के लिए जो चले आ रहे थे भाव, काफ़ी वो बदल भी गए हैं। बुजुर्गों के आशीर्वाद में भी बहुत कुछ चेंज आया है। तो मैंने हाँ जी, ये चीज़ें जैसे जैसे चलती रही हैं, औरत ने तरक्की भी की है, अपने वो सशक्त होके भी उसने हाँ दिखाया हाँ है। जी, बिल्कुल। आज नारी कहाँ नहीं पहुँची, हर जगह हाँ पहुँची जी, है, हर फील्ड में वो बिल्कुल। अपने जो है उसके झंडे गाड़ रही है हाँ अपनी जी, सफलता के। हाँ जी। और इसी कड़ी में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने जो अपने कई जगह आपकी रचनाएं छपी होंगी, कविताएं जो हैं आपकी, जैसा कि मैगजीन्स में, हाँ जी, अखबारों में, हाँ जी, पत्र पत्रिकाएं जितनी हमारी हाँ आती हैं जी, उनमें ज़रूर आपकी छपी होंगी, क्या आप हमें बताएंगे कहाँ कहाँ आपकी कविताएं छपी हैं या कहाँ कहाँ आपको मान सम्मान हासिल हुए हैं? हाँ जी, ये प्राप्तियाँ तो मैं उचित नहीं समझती बताना, क्योंकि ये प्राप्तियाँ मेरी खुद की प्राप्ति नहीं है, एक आम औरत की प्राप्ति आम है। औरत की प्राप्ति है, बहुत ठीक बड़ी है, बात कही है आपने। हाँ जी। और मैं इसके विषय में ये कहना चाहूँगी कि ये जो टीवी, रेडियो या पत्र पत्रिकाएँ होती हैं, ये हमारे सिर्फ एक एक लेखक के संदेश का माध्यम होता है, माध्यम होते हैं जी। जिसे हम अपना संदेश समाज को सुधारने के लिए पहुँचाते हैं, दूसरों तक, पाठकों तक पहुँचाते हैं। तो जब तक इनका इस्तेमाल नहीं होगा आप अपना संदेश कैसे पहुँचाएंगे? आप अपने संदेश को आगे और लोगों तक पहुंचाने के लिए इन साधनों का इस्तेमाल भी करेंगी। हाँ जी, और जैसा कि आज आपको, आपने ही कहा कि मुझे मौका दिया, बहुत अच्छा लगा, दूरदर्शन की आप आभारी भी हैं, और ऐसे ही दूरदर्शन आप जैसी बहुत सारी प्रतिभाओं को आगे आने का और लोगों तक अपने संदेश, अपने बात को पहुंचाने का मौका भी देता है। अच्छा लगता है, हम लोगों को भी, हाँ सबको जी, अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और थी कि आप जब जब अपने अपने इस फील्ड में विचर रही हैं, अपनी कविता के साथ साथ और भी आप कुछ अपना व्यवसाय है जो आप अपनी लाइफ में जिस तरह से मैं कोई इस टीचिंग जॉब अपना, या कुछ हाँ भी, जी, आप कोई और काम भी कर रही हैं अपनी कविता नहीं, अभी तो मैं रचना अपने के साथ बच्चों साथ? को ही, अपनी बच्चों की परवरिश ही मैं अपना ये जॉब समझती परम हूँ कि, धर्म, हाँ ये तो जी, सबसे बड़ी जॉब है, कि सबसे एक बड़ा कार्य है होम जो औरत मेकर, करती आई है। एम होम मेकर एंड राइटर। हाँ जी, तो हम आपकी एक कविता और सुनना चाहेंगे, क्या आप हमें एक अच्छी कविता हाँ जी, अपनी बिल्कुल, सुनाना चाहेंगी जो हाँ आपको बहुत जी, अच्छी लगती है? जो एक ऐसी कविता जो मेरी ज़िंदगी के साथ साथ रही, एक ऐसी घटना जो हम बचपन से देखते आए, अपने आसपास समाज में भी देखा, अपने घर में भी देखा, जी कि जैसे हमारी दादी को बहुत ही इच्छा होती थी पोते की, जी तो हम चार बहनें हैं और एक भाई, तो उसी पे जब हमारी दादी हमें ना आशीर्वाद देती होती थी तो कह देती थी मर जानी है, हाँ, तो उस कुड़ी तो पे मर मेरी जानी एक कविता है मर जी। जानिया, अच्छा, तो हम वो ज़रूर सुनना मैं चाहेंगे वो आपकी दर्शकों के साथ बेटियों के ऊपर साझा करना जी। चाहूँगी। ज़रूर ज़रूर, हमेशा यूज़ किया जाता था लड़कियों के लिए, आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया, हाँ तो जी। हम आपकी कविता सुनना चाहेंगे। सारा दिन दादी के दाएं बाएं घूमती, सारा दिन दादी के दाएं बाएं घूमती, दादी दादी पुकारती जी ना थकती, दादी की चारों पोतियाँ, सारा दिन दादी के दाएं बाएं घूमती, दादी दादी पुकारती ना थकती, दादी की चारों पोतियाँ, जी दादी निहारती, दुलारती, पुचकारती और फिर प्यार से कह देती मर जानिया, मर जानिया, बहुत बढ़िया। दादी निहारती, पुचकारती
दुलारती और फिर प्यार से कह देती मर जानिया। बड़ी पोती सफेद बालों में तेल लगाती, कंघी करती रीबन का फूल बना, चांदी रंगे तारों को इकट्ठा कर सजा देती छोटी सी चोटी। कोई दादी की छड़ी संभालती तो कोई दादी के कपड़े और निक सुख। कभी कभी दादी बहुत उदास हो जाती जी, कभी कभी दादी बहुत उदास हो जाती, घर काटने को दौड़ता जैसे। सारा दिन चुप चुप सी रहती जी। दादी सुबह शाम गुरुद्वारे जाती, छोटी पोती भागी भागी उसकी चप्पल उठा लाती और दादी के साथ साथ चल देती गुरुद्वारे जी। दादी घंटों हाथ जोड़कर बैठी रहती, दादी घंटों हाथ जोड़कर बैठी रहती और रब से मांगती रहती एक पोता जिसे वो कह सकती जुगजुग जियो, जिसे वो कह सकती जुगजुग जियो। बहुत ही अच्छा भाव आपने इसमें दिखाया अपने मन का, कितनी वेदना छुपी है इसमें। आप ये देखिए कि लड़कियों के लिए शब्द इस्तेमाल होता था मर जानिया, हाँ जी, और जब लड़के के लिए दुआ दी जाती, लड़के के लिए आशीर्वाद दिया जाता, तो वो आशीर्वाद रूपी जो शब्द हो जाते थे, हाँ जी, वो हो जाते वो थे जुग जी। तो आपने उसमें और अपने बचपन के अलावा अब अपनी जवानी के जब आपकी जवानी का समय है, तो आपको क्या उसमें कुछ चेंज लग रहा है कि उस समय में और आज के समय में कुछ दादियों के मनोभाव में कुछ अंतर आया हो, उनकी मानसिकता चेंज हुई हो, लगता है आपको ऐसा? पर अभी भी हम देखते हैं 80% हैं ऐसे लोग, चाहे इंसान आसमान पे चांद पे पहुंच गया है, लेकिन पर लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं पे आज भी ऐसे भाव हैं कि दादी को पोता चाहिए ही चाहिए होता है, उसकी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो मानसिकता है मुझे लगता है काफी हद तक चेंज भी होती जा रही है। हाँ जी बिल्कुल। और गाँव में जो हमारे भारत के गाँव है, कहीं ना कहीं ये सोच अभी भी लोगों के जहन में है, हाँ जी, कि जो लड़कियां हैं बस वो तो ऐसे ही पल जाती हैं, हाँ लड़कियां तो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, लड़कों को पालने के लिए कितने कितने उनको यत्न करने पड़ते हैं कि वो लड़के उतने ही बीमार भी रहते हैं। उनका ये सोचना है, हाँ कि जो एक पंजाबी में आपने वो शब्द सुना होगा, जैसा कि आपकी कविताओं में कहीं ना कहीं पंजाबी की झलक आ रही थी, कि लोहड़ी दा गुड़ टिल्ला, हाँ जी, वो लड़कों के लिए अक्सर ये शब्द यूज़ कर दिया, ये जुमला यूज़ कर लिया जाता था, हाँ जी, कि जो जिनकी हमें ज़रूरत है वो हमेशा ही बीमार रहते हैं, हाँ जी, और लड़कों के लिए दवा दारू भी बहुत करते हैं घर के पूरे यत्न प्रयत्नों से, और लड़कियों के लिए ये चीज़ें। पर फिर भी बहुत अच्छा है अब जब महिलाओं में, हाँ औरतों में ये चेंज आता जा रहा है, कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए लोगों की सोच बदली है। हाँ जी बिल्कुल। और औरत अपने आप को क्यों कमज़ोर समझे, मेरे ख्याल से औरत कमज़ोर नहीं है। तो उस पर मैंने एक कविता लिखी थी कि खुद को, मतलब एक औरत के लिए मैं कह रही हूँ कि खुद को, तो वो मेरी इस किताब में है जो मैं आपके साथ साझा करूँगी, कि खुद को इस तरह का बनाना चाहती हूँ मैं, खुद को इस तरह का बनाना चाहती हूँ मैं, लोहे सा जिस्म हो, लोहे सा जिस्म हो, सोने सा दिल, सोने सा दिल, बहुत अच्छे, हीरे जैसी आंखें, हीरे जैसी आंखें, कुंदन सी बुद्धि, चांदी सा स्वभाव, खुद को कुछ इस तरह का बनाना चाहती हूँ मैं, बहुत अच्छी सोच, खुद है, को बहुत अच्छी कुछ सोच इस तरह का बनाना चाहती हूँ मैं। तो जसप्रीत जी, हम आपसे ये जरूर सुनना चाहेंगे, जैसा आपसे बहुत सारी कविताएं भी सुनी, आपके भाव समझे सुने, दर्शकों से भी आपकी जो है भावनात्मक चीज़ें रूबरू हुई हैं, अभी हम ये सुनना चाहेंगे कि आप संदेश क्या देना चाहती हैं। आप जैसा कि कह रही थी अपनी कविताओं के ज़रिए, हाँ मैं बहुत कुछ बताना सुनाना चाहती हूँ, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगी कि हम अपनी कुदरत से जुड़े रहें, कुदरत से प्रेम करें, क्योंकि कुदरत हमें कहीं ना कहीं पे हर समय कुछ ना कुछ उपहार में देती रहती है। बिल्कुल देती है, हाँ जी।
तो हमें कुदरत से जुड़े रहना है, उसका शुक्रिया अदा करना है जी। और कुदरत पे मैंने एक कविता भी लिखी है और जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। हाँ जी, सुनाइए, जरूर सुनेंगे। कुदरत बेरहम नहीं होती, कुदरत बेरहम नहीं होती के दुआ के लिए कोई हाथ उठे और दुआ कबूल ना हो। कुदरत बेरहम, कुदरत कभी बेरहम नहीं होती के दुआ के लिए कोई हाथ उठे जी और दुआ कबूल ना हो। प्यासी धरती को पानी ना मिले, सूखी टहनियों पर अंकुर ना फूटे। बहुत बढ़िया। प्यासी धरती को पानी ना मिले, सूखी टहनियों पर अंकुर ना फूटे, जख्मों को दवा ना मिले। जख्मों को दवा ना मिले, हाँ जी। कुदरत बेरहम नहीं होती जी जी, कि दुआ के लिए कोई हाथ उठे और दुआ कबूल ना हो। बहुत बढ़िया। हर किसी के सीने में छुपा हुआ है कोई ना कोई क्षमता का बीज जी। हर किसी के सीने में छुपा हुआ है कोई ना कोई क्षमता का बीज, अंगुलियों में पनपता है गजब का हुनर। गजब का हुनर, बहुत बड़ी। आंखों में ठहरी है अजब सी अदा, हर किसी के सीने में छुपा हुआ है कोई ना कोई क्षमता का बीज। बहुत खूब। चाहिए सच की मिट्टी, चाहिए सच की मिट्टी, शीशे की निगाह, मेहनत का पानी और दुआ की हवा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुदरत कभी बेरहम नहीं होती कि दुआ के लिए कोई हाथ उठे और दुआ कबूल ना हो। बहुत ही खूबसूरत। कि दुआ के लिए कोई हाथ उठे और दुआ कबूल ना हो। तो आपकी दुआ तो कबूल हो गई और आपने तो बहुत ही सुंदर सा, इसका जो टाइटल भी मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, चुप का गीत। तो जो चुप है, उस चुप का गीत तो समझने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं, और जिसने ये चुप का गीत समझ लिया, आप ये समझो कि वो असली साहित्यकार है, असली कवि है या कवित्री है। तो आपने बहुत ही बढ़िया बढ़िया रचनाएं इसके अंदर समाहित की हैं। हम चाहेंगे भी कि आप जल्दी से जल्दी अपनी अगली पुस्तक हम सब पाठकों के आगे और हमारे दर्शकों के आगे प्रस्तुत कीजिएगा। आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आई और हम आपके आभारी हैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आभारी हूँ, क्योंकि आपकी रचनाओं में बहुत ही सुंदर सुंदर भाव हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जो हर कवि के हिस्से में नहीं आती हैं। तो आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।